एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ ये बहुत ही प्यारी सी ए लाइन पैटर्न में बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। सो ये मैंने ना न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाया है। इसे 0 से 3 मंथ बेबी के लिए बना सकते हो। तो चलिए बिना देरी के भी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है और आप इसे 50 से 60 सेंटीमीटर फैब्रिक में आपका ये फ्रॉक आराम से बन जाएगा। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ना, इसे मैं पहले उल्टा फोल्ड कर ले रही हूँ और इसमें जो फ्लावर बने हुए ना, उसी पैटर्न में हमें ये कट करना होगा। मतलब हमें सीधा रख के ये कट करना होगा, तो इसलिए फैब्रिक को पहले हम उल्टा कर लेंगे और इस तरह से हम इसे फोर फोल्ड करेंगे। तो जैसे हमारा ए लाइन का जो शेप रहेगा ना, आपको जितनी उसकी चौड़ाई रखनी है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे फोर फोल्ड कीजिएगा। मैं 8 इंच ले रही हूँ अभी, ठीक है। ऊपर की साइड से पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं और इसको तैयार हम इसकी जो लेंथ है ना वो मैं रखूँगी 14 इंचेस का, ठीक है। तो नीचे में हमारा फ्रिल भी ऐड होगा, इसलिए ना अभी हम यहाँ पर इसे 11 इंचेस ले रहे हैं इस तरह से। सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है और अब हमें फ्रॉक की मार्किंग करनी है। शोल्डर हमें यहाँ पे लेना है 3.5 इंच, ठीक है। और यहीं से ना हम नीचे की साइड पे इसे, मतलब आर्म होल के लिए हल्का सा में आर्म होल देंगे, तो मैं 3 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। और जो बस्ट एरिया है उसे मैं रख रही हूँ 4.5 इंच। इस तरह से हमें आर्म होल का शेप देना है और ये जो हमने नीचे ए लाइन पैटर्न देना है ना, उसके लिए हम यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क किए हैं। और ऊपर जो हमारा आर्म होल पे हमने जो मार्किंग की थी ना, उसी मार्किंग से लेकर नीचे इस तरह से हमें तिरछा मिला लेना है और बिल्कुल 1/2 इंच हमें यहाँ पे रखना है एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब नीचे की साइड से ना हम ऊपर इस तरह से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इस मार्किंग से हमें इस तरह से नीचे की साइड पे हल्का सा कर्व शेप देना है, ठीक है। और फिर हम ये जो फ्रॉक का पैटर्न ड्रॉ किए हैं ना, वो हम कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये फ्रॉक आएगा। अब चलिए आपको एक एक करके स्टिचिंग भी इसका बताती हूँ। सबसे पहले इसे स्टिच करने के लिए ना हमें एक डोरी रेडी करनी होगी। तो यहाँ मैंने एक पतली सी सेम फैब्रिक की डोरी ले ली है, ठीक है। इसे हमें 4 पीसेस में कट कर लेना है। डोरी की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं 10 सेंटीमीटर जितना ये रख रही हूँ डोरी की, एक डोरी की लंबाई। तो यहाँ पर मैंने 4 पीसेस इसका कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, एक साइड को लेना है और डोरी को हमें इस पर एक इस तरफ बैठाना है, इस तरफ। और सेम फैब्रिक से ना मैंने यहाँ पे अस्तर बोलिएगा वो कट कर लिया है ताकि हम आर्म होल और नेक को अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है। तो लेंथ वाइज आप इसे 7 से 8 इंच रखिएगा और चौड़ाई हम अपने यहाँ पे फ्रॉक के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो आर्म होल से इसे हमें इस तरह से सिलते हुए जाना है, ठीक है। और हमें अपनी डोरी को भी एकदम सेंटर में, मतलब साइड में एकदम सेट करना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे सिलते हुए इस तरह से जाना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी हमारा कपड़ा है ना वो हम कट कर लेंगे और कोन को कट कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कट करने के बाद हम इसे सीधे साइड पे पलटेंगे और नीचे की साइड को, बैक साइड में जो अस्तर है ना, वो हम नीचे की साइड पे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे ताकि देखने में भी फिनिशिंग लगे हमारी सिलाई। और इसके बाद ना इस तरह से इसे ऊपर की साइड से बैठाते हुए सिलाई लगानी है। सेम ऐसा ही हम अपने फ्रॉक का जो दूसरा वाला साइड है ना, ऐसे ही रेडी कर लेंगे उसे भी। ये देखिए, इस तरह से हमने फिनिशिंग से सिलाई कर लिया।
और दूसरे साइड को भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेना है। और उसके बाद ना हमें इसे एक पे एक इस तरह से बैठाना है, ठीक है। उल्टे साइड को ऊपर रखना है हमें, और दोनों साइड पे हमने हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखा था, इसलिए बिल्कुल हाफ इंच पे ही आप इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाइएगा। दोनों ही साइड पे बिल्कुल हाफ हाफ इंच पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। इसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। और इसके नीचे के फ्रिल के लिए ना हमने फैब्रिक में से एक पट्टी कट कर ली है, ये देखिए। और इसकी जो लेंथ है ना, हमने यहाँ पे 4 इंचेस का रखा हुआ है। 1 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा, ठीक है। और एक साइड जो इसका ओपन है ना, वो हम सिल लेंगे। सो आपको जिस अकॉर्डिंग इसमें फ्रिल रेडी करनी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखिएगा, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा फ्लावर का पैटर्न देखते हुए हम इस तरह से फ्रॉक के साथ इसे मिलाएंगे, और हमें यहाँ नीचे बैठाते हुए साथ ही साथ इसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स रेडी करते हुए पूरे में सिलाई करनी है। सो हमने इसे पूरे कुएं अच्छे से रेडी कर लिया फ्रिल, ये देखिए। और अब ना हमें नीचे की साइड को फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इस तरह से सिलाई कर लीजिए और एक बार फ्रॉक में अच्छे से आयरन कर लीजिए। तो हमारा ये फ्रॉक बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, ये पैटर्न आपको कैसा लगा, ये फ्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।